हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे। कौन कहां लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे, आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहाँ की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब, सब लोग रहेंगे। हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में, हाँ शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। हम लोग पूरे काम करेंगे, एक होकर, एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं। आप पूरी तरह से फिट हो गए हैं, आप बढ़िया से फिट कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी भाजपा को, और आज जो बैठक हुई देश भर के नेताओं का, बहुत खुल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है। अब ये तय हुआ है कि शिमला में अगली बैठक होगी, उसमें हम लोग आगे के और कार्यक्रम किस तरह से क्या हो वो हम लोग तय करेंगे, चर्चा करेंगे। आदरणीय नीतीश जी ने आज बड़ी मशक्कत के बाद सब लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है, मैं इनके लिए, इसके लिए इनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। ये एक कहा जाए कि